मध्य प्रदेश में खेल करने के बाद अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र पर ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिले हैं। ऐसे में बीजेपी को इस बात का मलाल है कि सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी वो विपक्ष में है। शिवसेना भी बीजेपी के मध्य प्रदेश एपिसोड से खौफ में है। संजय राउत कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाला कांड महाराष्ट्र में नहीं होगा। कमलनाथ भी कह रहे थे कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन बीजेपी ने कमलनाथ की कुर्सी हिलाकर रख दी है और अब बारी महाराष्ट्र की हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री मुनगंटीवार ने यह बात महाराष्ट्र विधानसभा में बजट संबंधित अपने संबोधन में कही। मुनगंटीवार ने बीजेपी और शिवसेना के पुराने संबंधों को रेखांकित करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से कहा कि मुख्यमंत्री 3 महीनों से आपके मित्र हैं, लेकिन हमारे संबंध 30 साल पुराने हैं। जिस पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया। इस दौरान सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों से कहा कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। हालांकि उन्होंने इसके आगे कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन मुनगंटीवार की बात सुनकर सत्ता पक्ष की होश जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि ऐसी खबर भी आती रही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई विधायक पार्टी से नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी गुटबाजी जग जाहिर है। ऐसे में मुनगंटीवार के इस बयान को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गंभीरता से जरूर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।